नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पिछले 5 दिनों से उपेंद्र कुशवाहा का शिक्षा को लेकर चल रहा अनशन आज खत्म हो गया है। सभी नेताओं ने उनसे PMCH में जाकर अनुरोध किया है। तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किस तरीके से शरद यादव हों, जीतन राम मांझी हों, अखिलेश प्रसाद सिंह हों, तेजस्वी यादव हों, दानिश रिजवान हों, इन सभी नेता वहाँ पर मौजूद हैं। और इन सभी के आग्रह के बाद मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह और उपेंद्र कुशवाहा ने अपना अनशन तोड़ दिया है। तस्वीरें देखिए, किस तरीके से पानी पिलाया जा रहा है और अनशन खत्म कराया जा रहा है। इसके बाद जब हमने बातचीत की है सभी नेताओं से, तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कि करके वो। हमने नहीं कहा है, बिहार के समक्ष विपक्ष के लोग आज बैठ करके घंटों विचार विमर्श किया गया नेता प्रतिपक्ष के आवास पर, और यही तय हुआ है कि शिक्षा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही है, इसके साथ साथ बिहार में और बहुत मुद्दा है जिसको ले करके हम लोग, ये चुनाव पैक्स उक्स का है, इसके बाद हम लोग बैठेंगे और एक बृहद लड़ाई का हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। देखिए, एक बड़ी लड़ाई का रूपरेखा तैयार किया जाएगा और उसके बाद जितने नेता हैं महागठबंधन के वो सभी निकल चुके हैं। शरद यादव हों, अखिलेश प्रसाद सिंह हों, ये सभी लोग निकल रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से सभी इतने नेता हैं, हमारे पीछे आप देख सकते होंगे सभी नेता निकल रहे हैं। बिल्कुल लड़ी जाएगी, तो लड़ाई हम लोग थोड़ी छोड़ने वाले हैं। सरकार को उखाड़ फेंकने के एकदम एकदम सरकार उखड़ेगी। तो आपने देख लिया है सभी नेता यहाँ से निकल चुके हैं, सभी ने मिलकर अनशन तोड़वा दिया है। पहले आग्रह किया गया उपेंद्र कुशवाहा से कि वो अपना आमरण अनशन तोड़ दें, उसके बाद अनशन तोड़वा दिया गया है। इन सभी तस्वीरों से हमने आपको रूबरू करा दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आगे और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये साफ साफ आह्वान कर दिया गया है जितने महागठबंधन के नेता हैं उन सभी के द्वारा। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, धन्यवाद।